अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं विरारपुर के गोपचरपाड़ा में। यहाँ पर अंजुमन उर्दू हाई स्कूल के इस प्रांगण में हम खड़े हैं। यहाँ आज एक मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया है। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक का यहाँ मेडिकल हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। अलग अलग तबके के अलग अलग फन में माहिर डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं। ऐसा बताया गया कि 22 डॉक्टर की टीम यहाँ पर है जो अलग अलग तरह की जांच कर रही है, जिसमें आई आँखों से संबंधित है, दांतों से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, और भी अलग अलग जो जांच है, जांच पड़ताल यहाँ की जा रही है आज। और ये अंजुमन उर्दू हाई स्कूल ने एक काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर किया है। सुबह 10 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ और अभी भी ये प्रोग्राम जारी है और शाम को 5 बजे तक ये चलने वाला है, जिसमें कई लोग अब तक अपना हेल्थ चेकअप करवा चुके हैं और कई लोग अभी भी इसके लिए प्रतीक्षा में है, उनका नंबर लगा हुआ है, वो भी आने वाले समय में करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर इस्लामिक सुन्नत का भी एक कार्यक्रम रखा है, वो भी जारी है। इस तरह से यहाँ एक बेहतरीन उपक्रम आज किया जाकर कहीं ना कहीं लोग जो इस समय कोविड के माहौल में अपने हेल्थ को लेकर डरे हुए हैं, उसका आज यहाँ ख्याल किया जाकर उन लोगों को जो अस्पताल में अपनी जांच करवाने नहीं जा रहे हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जाकर जांच करवाई जा रही, ताकि अगर उनमें कुछ हेल्थ को लेकर परेशानी हो तो उसका बराबर से निदान किया जा सके। अंजुमन उर्दू स्कूल के इस पूरे उपक्रम को हमारा सलाम, और हम यही कहना चाहेंगे कि इस अंजुमन उर्दू हाई स्कूल की तरह ही बाकी के जो संस्थाएं हैं, स्कूल है और भी कई सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको भी इस तरह के कार्यों को अंजाम देना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं वह लोग जो खुद ब खुद अस्पताल में या नहीं पहुंच पाते, उनके लिए इस तरह की सुविधा एक छत के नीचे मिल पाए। आज के लिए इतना ही। विरार से यूसुफ अली। अली साहब, आज क्या कार्यक्रम है उसकी जानकारी? अंजुमन इस्लाम विरार की जानिब से आज पूरे विरार शहर के लिए एक मेडिकल चेकअप प्रोग्राम रखा गया है। इसमें सबके लिए ओपन है, आँख के दांत के गायना लेडीज फतमा का भी है, हार्ट स्पेशलिस्ट भी है और दिमागी डॉक्टर भी आए हैं। यानी सारे किस्म के डॉक्टर, 20 से 22 डॉक्टर यहाँ पर आए हैं और वो सब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसमें किस उम्र के तबके के लोगों का ये चेकअप? ओपन टू ऑल है, 6 महीने से बच्चा लेकर 50 साल के लोग भी आए हैं। जैसा आपने अभी बताया तो कितने 22 डॉक्टर है, उसमें स्पेशली कौन कौन डॉक्टर है और उनकी क्या खासियत है कुछ? अभी डॉक्टर सुल्तान साहब से आप खुद मिल चुके, डॉक्टर दानिश साहब यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर फारूक वहाँ पर है, डॉक्टर प्रवीण सिरसागर डेंटल है, डॉक्टर प्रवीण देसाई की प्रवीण सिरसागर है, डॉक्टर दीपक देसाई की लड़की यहाँ पर है, तंजीला मैडम यहाँ पर आई हुई है, डॉक्टर मूरत साहब है, डॉक्टर अर्शद साहब हैं, डॉक्टर देशमुख हैं, डॉक्टर कबाड़े हैं, डॉक्टर पाटिल है, डॉक्टर देशमुख है, ऐसे सारे डॉक्टर्स विरार के यहाँ पर हैं। कुछ सुपारी से आए हैं, सुल्तान साहब तो बॉम्बे से आए हैं, डॉक्टर नूरत भी बॉम्बे से आए हैं, इस तरह से सब डॉक्टर हैं। इस तरह का एक कार्यक्रम करके एक मंच पर सबको लाना, ये कितना चैलेंजिंग काम है? तो चैलेंजिंग तो है, मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं है, इसके बाद मेरे टीचर स्टाफ मेरे यार दोस्त हमारे घर के लोगों ने सब ने मिल के किया है, आप लोगों की दुआ है। और अपने भाई लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे कि भाई इस तरह से प्रोग्राम हो के कौम को हो सके उतना, समाज को, जनता को अपने सहूलत पैदा करके देनी चाहिए। लोगों को सहूलत मिले, आज बीमारी का मसला बहुत चल रहा है, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से भी लोग बहुत परेशान हैं, तो उनको भी सहूलत हो जाएगी, उनको भी सहूलत मिलेगी। आने के 2 मकसद है, नंबर एक है कि अलहमदिल्ला सुन्नत हो रही है, बच्चों की खतना हो रही है, बहुत खुशी की बात है, और हमारे खलील साहब हमेशा ऐसे प्रोग्राम करते हैं, तो हम हबीब पटेल और एक खालिद करारी हम दावत थी, हम सब साथ में आए एक मेडिकल कैंप वहाँ अटेंड किया, सोपारे को किधर आए हैं। और सेकंड आने का मकसद ये था कि हमारे डॉक्टर एडवोकेट खलील साहब बीमार थे, उनकी आयादत भी बाकी थी, फ़ोन के ऊपर उनकी आयादत होती थी, हमने सोचा चल के आज मुलाकात भी होगी, उनकी तबीयत की आयादत भी होगी और उनके लिए दुआ भी करेंगे, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, अल्लाह उनको जो उनका जज्बा है वो कायम रखे, अल्लाह कबूल फरमाए, और आज के होने वाले इस कैंप को अल्लाह कबूल करे। देखो ऐसा है
कि मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहता है, मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहता है कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार बनता है, ऐसा है। अब ये जो काम होते हैं इससे लोग याद रखेंगे कि कोई था जो काम करता था। इसलिए हमेशा मैं शेर बोलता हूँ कि बाहर दुनिया में रहो गमजदा या शांत रहो, कुछ ऐसा करके चलो कि तुम बहुत याद रहो। आप एक जानी मानी हस्ती है, वसई विरार महानगर पालिका में उप महापौर तक रह चुके हैं जी, इस लिहाज से यहाँ के लोगों को खासकर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को क्या कुछ आह्वान अपनी तरफ से करना चाहिए? मुस्लिम समाज को तो नंबर एक तो मैं सुबह में हमारी बात हुई, हमने एक स्कूल को विजिट किया। मेरा बोलना है कि मुस्लिम समाज तालीम के मैदान में आगे बढ़े, बगैर शिक्षण के बगैर एजुकेशन के कोई समाज कोई कम्युनिटी आगे बढ़ नहीं सकती। तो हम लोग शिक्षण में आगे आए, हम लोग हेल्थ के अंदर भी आगे आना ज़रूरी है, सफाई में आगे आना ज़रूरी है। तो इस्लाम में कहता है सफाई आधा ईमान है, तो हम लोग सफाई के ऊपर चलें, सफाई को पसंद करें और मिलजुल के रहें, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करें और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। मैं और भी भाइयों से कहूँगा कि जैसे कुछ लोग काम करते हैं वैसे और भी काम करने वाले बने। कब तक हम काम नहीं करेंगे? मेरी बीवी, मेरा मकान, मेरा टीवी, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी है कि तुम लोगों के लिए अपना वक्त लो, या अल्लाह को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद है। खिदमत से खुदा मिलेगा, खिदमत से खुदा मिलेगा, ये मेरा सबका कहना है और एक मेरी नसीहत है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। मायसेल्फ डॉक्टर सुल्तान मोइनुद्दीन शौकत अली, आई एम MBBS MD 14 गोल्ड मेडलिस्ट। I belong to KEM Hospital, Mumbai, and I've completed my MD radio diagnosis there, and I'm joined as a senior resident presently, and I work there as a full-time consultant, and alhamdulillah today I've come for a camp at Anjuman Islam High School, and it's a great pleasure to be a part of this team and to work for the society as a whole. Alhamdulillah, it's a great pleasure for me to work for the social cause, the noble cause, to hear the patients, to treat them, to learn from them, to know them. It's a great thing indeed. Alhamdulillah, and this is the job which is very dear to my heart, listening to the patients' complaints, diagnosing them, treating them. This is very dear to me, alhamdulillah, and I enjoy this thing. आज के इस कैंप के बारे में क्या कहेंगे? कैंप में किस किस तरह के पेशेंट आए हैं, उनमें से आपको आप स्पेशली किन पेशेंट को देख रहे हैं? मेरे इस कैंप में मैंने जनरल पेशेंट से लेके कुछ स्पेशलाइज पेशेंट देखे, जैसे कि जनरल पेशेंट जैसे एनीमिया है, खून की कमी है, चलने पे सांस फूलती है, या स्किन प्रॉब्लम्स हो, उतने ही नहीं तो हमने पार्किंसन के पेशेंट्स देखे, हमने दिस आर कॉल हाई लेवल पेशेंट्स, सो बेसिकली रेंजिंग फ्रॉम नॉर्मल जनरल OPD से लेके हमने कुछ हाई लेवल तक के पेशेंट्स भी देखे। इतना ही नहीं तो देर वॉज अ सर्कमसीजन कैंप, दैट इज खतना जिसे कहते हैं, तो सर्कमसीजन कैंप में भी काफ़ी लोगों के सर्कमसीजन्स हुए बच्चों के, तो ये भी एक चीज़ है, ये हमने देखा। प्लस ऊपर डेंटल के कैंप हैं जिसमें दांतों की जाँच हुई लोगों की, बच्चों की स्पेशली, तो बच्चों में दांतों के भी बड़े मसले इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हल करना भी ज़रूरी है, तो उस ताल्लुक से भी डॉक्टर्स हमारे पास आए हुए हैं, कैंप में मौजूद है। एक जनरल OPD कैंप भी ऊपर चालू है जिसके अंदर जो जनरल कंप्लेंट्स होते हैं फीमेल्स के, मेल्स के, फिर बच्चों के, उसको ख्याल रखा जाता है। कैसा होता है कि ये कैंप का जो मेन मकसद ये है कि उन बच्चों तक पहुँचना जो हम तक आते नहीं हैं, या उन प्रॉब्लम्स तक पहुंचना जो हमारे पास नहीं आते, ताकि उसमें से हम डिटेक्ट कर सकें कि प्रॉब्लमेटिक या फिर सिम्टोमेटिक डिजीज इंडिविजुअल कौन है, और उनकी वो हम सही सेहत जो हेल्थ है उनकी राइट है वहां तक हम उन्हें पहुंचा सकें। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, 14 गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, की तरफ से पहले बधाई देते हैं इस चीज़ के लिए। थैंक यू। और KEM जैसे हॉस्पिटल में आप सेवाएं दे रहे हैं जी, बिल्कुल, तो आपको क्या, आपका अनुभव क्या कहता है कि लोग हेल्थ को लेकर कितने परसेंट केयर अपने आप में है? ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। कैसा होता है कि जो चीज़ हमें पैसे दे के नहीं मिलती ना, उस चीज़ की कीमत या उस चीज़ की अहमियत हमें इतनी नहीं होती। हेल्थ जो है हमें बचपन से मिल जाती है, या फिर हम लोग जो है उस चीज़ की कदर तब तक नहीं समझते जब तक कि उस चीज़ को खो ना दे, तो एक लापरवाही सी बनी रहती है लोगों के दरमियान कि भाई ये कुछ डिजीज़ हो गए, चलो हम कल बताएंगे, कल करके सालों बीत जाते हैं, और फिर वो डिजीज़ जब बढ़ जाती है
एंड अनट्रीटेबल स्टेज पे चली जाती है या फिर इरिवर्सिबल स्टेज पे चली जाती है, तब जाके पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है। तो ये एक इंडियन पॉपुलेशन में या हमारी सोसाइटी में एक लापरवाही का माहौल है, और हम चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैले, लोगों में इस चीज़ के बारे में जो जानकारी है, हेल्थ कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस बिहेवियर, हम चाहते हैं कि इस बिहेवियर की बढ़तरी हो और लोगों में एक अच्छा माहौल फैले हेल्थ के ताल्लुक से। हेल्थ एक WHO का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, अगर लोग हेल्दी रहेंगे तो नेशन हेल्दी रहेगा। हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसानों का बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट। कोविड का पीरियड आने के बाद दूसरी डिजीज के लिए लोग थोड़े लापरवाह, बिल्कुल ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है कि दो किस्मों के लोग आपको मिलेंगे। एक तो कोविड जैसे ही आया लोग थोड़े कुछ लोग ओवर कॉन्शियस हो गए एंड कुछ लोग जो है एकदम ही बाकी डिजीज के बारे में लापरवाह हो गए, सिर्फ कोविड। जैसे किसी को डेंगू भी होता था, उसके हाथ पैर दर्द करते थे, वो बोलता था मुझे कोविड हो गया है, और बस वो कतराते थे कि हॉस्पिटल ना जाए या चेकअप ना करे। तो काफ़ी लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, लेकिन इसमें ज़रूरी यह है कि चाहे आपको कोविड हो या ना हो, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आए तो आप अपने नज़दीकी फिजिशियन या सर्जन जो भी है उनसे मुलाकात करें, और उनकी राय लेना, मतलब जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेना इन चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप खुद से ही बोल दो नहीं नहीं मुझे जुकाम हो गया, ये हो गया, मैं घर में बैठ जाऊँगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बीमारी बढ़ते चलती है। कुछ पेशेंट्स तो मैंने ऐसे देखे जो ऐसे अपेंडिसाइटिस को लेके घर में पड़े हुए थे, और जब उनका अपेंडिक्स रप्चर हो गया तब जाके वो लोग यहाँ पे आए, मतलब देवर नेग्लिजेंट ये बोल के कि भाई कोविड की वजह से है या ये दर्द हो रहा है, मतलब उन्होंने खुद ही अपना डायग्नोसिस बना लिया। तो खुद ही अपना डायग्नोसिस ना बनाएं, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है आपको मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय कायम करनी होगी। एक आखिरी सवाल, आपको किन चुनौतियों से दो चार होना पड़ा और क्या आह्वान करना चाहिए आपको किन चुनौतियों से दो चार होना पड़ा इन कोविड के पीरियड में इसमें, और पब्लिक से क्या आह्वान करना चाहिए? बिल्कुल, तो एक कोविड का जो पीरियड था हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल दौर रहा, कोविड वेव 1 उससे भी मुश्किल दौर कोविड वेव 2 था, जिसमें हमने काफ़ी मतलब हमारे नज़दीकी पेशेंट्स, हमारे खुद के टीचर्स, हमारे खुद के डॉक्टर्स को सफ़र होते हुए देखा, हमारे खुद के बैचमेट्स को। तो एक बात तो ऐसी थी कि कोविड वॉज अ न्यू चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस, न्यू चैलेंज जिसके बारे में हम जानते नहीं थे। वेव 1 में तो ऐसा था कि हम जानते ही नहीं थे कि क्या होने वाला है, वेव 2 में हम जानते थे डिजीज़ के बारे में, लेकिन हमने म्यूकर माइकोसिस को एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने बाकी जो शॉर्टेजेस थी रिसोर्सेज की उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह वी ट्राई टू डू अवर बेस्ट, गिव अवर बेस्ट, हमने कई घंटे हमारे डाले, जो भी सारे डिपार्टमेंट ने मिल के काम किया इसमें, चेस्ट फिजिशियन हो, एनेस्थेसिस्ट हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, मेडिसिन वाले लोग हैं, सारे लोग इसमें एक एज अ टीम वर्क हमने इसमें काम किया, PSM वाले लोग हैं, वैक्सीनेशन का जो ड्राइव कैंपेन किया हमने, सो ऑल दिस वॉज अ कनेक्टिव एफर्ट, एक टीम वर्क। तो मेरा मैसेज ये है कि जिस तरह से कोविड जैसी महामारी है, कोविड जैसी ड्रीडफुल सिचुएशन भी हमने टीम वर्क के ज़रिए, सब लोगों ने साथ मिलके अवेयरनेस के ज़रिए, वैक्सीनेशन के ज़रिए, डॉक्टर्स उनकी राय के ज़रिए हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसी तरह हम दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि पेशेंट्स, डॉक्टर्स, ये एक पूरी कम्युनिटी है, और वो साथ में आके हम पेशेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7